welcome you all in our channel doctor agriculturist in this video we are going to discuss about stem rust or black rust of wheat brown rust of wheat yellow rust of wheat loose smut of wheat kernel bunt of wheat powdery mildew alternaria blight and ear cockle the disease will be discussed on the following topics like causal organism सिम्टम ईटियोलॉजी डिजीज साइकल फेवरेबल कंडीशन एंड मैनेजमेंट दिस इज फॉर द कोर्स डिजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट टू स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट ऑफ वीट स्टेम रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाई पक्सीनिया ग्रेमिनिस्ट्रिटीसी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं पी जी टी वाई द नेम रस्ट इसे रस्ट क्यों कहते हैं रस्ट का हिंदी नाम होता है जंग लगना तो अगर लोहे में जंग लगता है तो ऐसे दिखाई देता है इसके जो सरफेस होते हैं वो थोड़े से फूले हुए दिखाई देते हैं और ये बाद में टूट टूट के गिरने लगते हैं वैसे ही जब वीट में इन्फेक्शन होता है तो वहां पर पैथोजन का ग्रोथ होता है और वहां का सरफेस उभरा हुआ होता है और बाद में यह वाला जो मेम्ब्रेन है वो फट जाता है और यहां से स्पोर्स बाहर आते हैं इसीलिए इस डिजीज को रस्ट कहा जाता है ठीक है सिम्टम ऑफ ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट ब्राउन पुस्टूल्स अपीयर्स ऑन द स्टेम एंड लिप सीथ विच अ रस्टी अपीयरेंस। इन सीवियर कंडीशन पुस्टूल्स ऑल्सो अपियर इन प्स एंड ईयर्स लेटर द पोस्टुल्स रपचर्स एंड यूरोडोस्पोर स्प्रेड लेट इन दीजन द कलर ऑफ पोस्टुल्स कन्वर्टेड टू ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टीलियोस्पोर सो क्या होता है पहले स्टेम में या लिप सीथ में यह लिप सीथ क्या होता है जैसे कि यह स्टेम है और यह लीफ है तो लीफ का कुछ एरिया स्टेम को कवर किया होता है उसी को कहते हैं लीफ सीथ तो ये पहला सिम्टम स्टेम में और लीफ सीथ में आता है इसमें रेडिश ब्राउन कलर के पुस्टुल्स बनते हैं जिसके कारण से रस्टी अपीयरेंस आता है सीवियर कंडीशन में ऐसे पुस्टुल्स लीफ में और ईयर्स में भी बनते हैं बाद में ये जो पुस्टुल्स हैं वो फटते हैं और यहां से डोस्पोर्स बाहर आते हैं और जब वीट हार्वेस्टिंग कंडीशन में आता है उस समय और जब वीट हार्वेस्टिंग स्टेज में पहुंचता है उस समय ब्लैक कलर का टीलियोस्पोर बनता है इन्हीं पुस्टुल्स में जिसके कारण से रेडिश ब्राउन कलर का जो पोस्टुल्स था वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ये जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं पोस्टुल्स ये स्पॉट्स से अलग होता है क्या होता है अगर ये लीफ है यहां पर इन्फेक्शन हुआ और यहाँ का जो टिशू है वो मर जाता है जिसके कारण से स्पॉट्स बनते हैं लेकिन ये स्पॉट्स नहीं होते हैं ये होते हैं पोस्टुल्स ऐसा क्यों अगर इसको हम साइड से देखेंगे तो जैसे ये है सरफेस यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ और ये बहुत सारे स्पॉर्स बनाते हैं तो ये अंदर में इतने सारे स्पोर्ट्स बनाते हैं कि ऊपर का जो लेयर है वो ऐसे उभर जाता है इसीलिए इसे पुस्टूल्स कहते हैं ना कि स्पॉट्स। इंफेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस लेस टीलर ग्रेन इल्ड ऑल्सो रिड्यूस्ड इन सीवियर कंडीशन प्लांट प्रोड्यूस श्रीवल्ड ग्रेन आर नो ग्रेन एट ऑल तो यह जाहिर सी बात है अगर पौधे में इन्फेक्शन हो गया है उसका जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर प्लांट को नहीं मिल रहा है जिसके कारण से जो टीलर्स हैं वो कम बनते हैं और ग्रेन का ईल्ड कम हो जाता है और सीवियर कंडीशन में जो ग्रेन है नॉर्मल ऐसे दिखाई देगा तो ये स्रीवल्ड होता है झुर्रीदार होता है या फिर ग्रेन फॉर्मेशन ही नहीं होता पूरा पौधा मर जाता है ये है इसके सिम्टम यहां पर रेडिश ब्राउन कलर के पोस्टुल्स आते हैं पहले स्टेम में और लिप्सिथ में आते हैं और रेयर कंडीशन में या फिर सीवियर कंडीशन में लिप्स में आते हैं अब आते हैं इटियोलॉजी पक्सिनिया ग्रेमिनिस का इटियोलॉजी माइसिलियम माइसिलियम इसमें होता है सेप्टेट विथ डॉलीपोर सेप्टा बाई न्यूक्लिएट या हेट्रोकैरियोटिक होता है और इंटर होता है जैसे कि यह माइसिलियम है और इसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसे बाई न्यूक्लिएट या हेट्रोकैरियोटिक कहते हैं और इसमें जो सेप्टा है वो डोलीपोर सेप्टा होता है ऐसी ये क्रॉस वॉल नहीं होता अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देता है ये माइसीलियम का वॉल है ये दूसरा वॉल है यहां पर से ये ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इस वॉल के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है स्पेस रहता है इसे ही डोलीपोर सेप्टा कहते हैं अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए यूरेडोस्पोर यह जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है यह है इसका यूरेडोस्पोर कैसा होता है ये तो होता है सिंगल सेल्ड बाई न्यूक्लियड ओवल ब्राउन और ब्रिक रेड इन कलर विथ टाइनी स्पाइंस और थिक वॉल होता है सो so, इसका जो वॉल होता है वो मोटा होता है इसका कलर ब्राउन या ब्रिक रेड कलर का होता है और ओवल सेप का होता है अंडाकार होता है इसके अंदर में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बाई न्यूक्लियस होता है और सिंगल सेल्ड होता है और यह स्टॉक्ड होता है यह स्टॉक क्या होता है कुल्फी तो खाए ही होंगे आप तो यह कुल्फी हो गया कुल्फी में नीचे में पकड़ने का डंडा रहता है तो यही क्या है स्टॉक है तो ये यूरोडोसपोर हो गया और इसमें एक स्टॉक होता है जिसके द्वारा यह माइसीलियम से जुड़ा रहता है इट प्रोड्यूस फोर जर्म ट्यूब अगर इसका जर्मिनेशन होगा तो यह चार जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करता है टिलियोस्पोर। यह भी स्टॉक्ड होता है बाई सेल्ड होता है बाई न्यूक्लियर भी है थिक वॉल्ड है ब्राउन कलर का है और

और इसका जो वॉल है वो थिक होता है ब्राउन कलर का होता है और जहां पर ये सेप्टा प्रेजेंट है वहां पर ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है कंस्ट्रिक्टेड होता है इसका जो अपेक्स है टिप है वो पॉइंटेड होता है ठीक है ये है इसका यूरोडोस्पोर और एक चीज यूरोडोस्पोर के वॉल में छोटे छोटे ऐसे कांटे के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यह है टिलियोस्पोर जब जर्मिनेट होता है तो प्रोमाइसिलियम बनाता है जो कि सेप्टेट होता है इसमें चार सेल प्रेजेंट होते हैं और एक एक सेल से एक एक बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है फेवरेबल कंडीशन डे टेम्परेचर 25 फाइव तो टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड नाइट टेम्परेचर 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज तो रिक्वायर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन द स्टेम्स एंड लीव्स और एक क्या हो जाएगा हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट ब्राउन रस्ट इज कॉस्ड बाई पक्सीनिया ट्रिटीसीना इस पैथोजन को पक्सीनिया रिकोंडिटा भी कहते हैं ठीक है तो पक्सीनिया रिकोंडिटा या पक्सीनिया ट्रिटिसना दोनों सेम है सिम्टम स्मॉल ब्राउन ऑरेंज पोस्ट्यूल्स डेवलप on the leaf blade in random distribution in very severe condition pustules may also appear on the leaf sheath and owns. Push pustules burst and uridospore spread in the air late in the season color of pustules converted to black in color because of the production of teleospore. infected plant produce less tiller grain yield also reduced इन कंडीशन प्लांट प्रोड्यूस प्रोड्यूसल्ड ग्रेन आर नो ग्रेन एट ऑल तो ये है इसके सिम्टम इसका जो पहला सिम्टम है ये लीफ में आता है और ऑरेंज ब्राउन कलर के पुस्टुल्स बनते हैं ये जो पुस्टुल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर में प्रेजेंट होते हैं और जुड़े नहीं होते सीवियर कंडीशन में ये जो पुस्टुल्स है वो लिप सीथ में और Ons में भी बनते हैं जब ज्यादा मात्रा में पैथोजन का ग्रोथ होगा जिसके कारण से प्लांट को ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और कम टीलर्स बनते हैं और ग्रेन ग्रेनकाइल्ड भी कम हो जाता है इटियोलॉजी माइसीलियम इसका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है और एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें सेप्टा डोलीफोर होता है और इंटरसेलुलर होता है जैसे ये प्लांट का सेल है तो ये प्लांट के दो सेल के बीच में फैलते रहता है और सेल के अंदर नहीं जाता तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेगा ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है होस्टोरिया और उसके थ्रू न्यूट्रीशन लेता है यूरोडोस्पोर ये स्टॉक होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं बाई न्यूक्लियट होता है स्फेरिकल होता है ब्राउन कलर का और छोटे छोटे स्पाइंस लाइक इस स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं इसका भी जो वॉल है वो थिक होता है इट प्रोड्यूस सेवन टू टेन जर्म ट्यूब जो स्टेम रस्ट का पैथोजन था वो चार जर्म ट्यूब बनाता है लेकिन ये सात से दस जर्म ट्यूब बनाता है टिलियोस्पोर ये भी स्टॉक होते हैं दो से तीन सेल्ड होते हैं बाई न्यूक्लिएट थ ब्राउन और अपेक्स इज राउंड नंबर ऑफ चैम्बर्स इज मोर देन येलो रस्ट और इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पैराफाइसिस ये पैराफाइसिस के बीच में टिलियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और इसके जो टिलियोस्पोर है उसका टिप वो राउंडेड होता है जैसे स्टेम रस्ट में पॉइंटेड होता है तो यहां राउंडेड होता है और इसमें जो चैम्बर्स हैं वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं एज कंपेर टू येलो रस्ट फेवरेबल कंडीशन फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन स्टेम एंड लिप्स एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर यह सब फेवरेबल होते हैं डिजीज डेवलपमेंट के लिए येलो रस्ट ऑफ वीट दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइप रस्ट This is caused by Puccinia striiformis. Symptom: Bright yellow pustules appear mainly on leaves, but in severe infection, they may be seen on the leaf sheath and stem. The sorae are elongated and pinhead size. Sorai are arranged in linear rows between the veins of the leaf. एंड हैं इट इज रिफर्ड एज स्ट्राइप रस्ट सो जैसे ये लीप है इसमें ब्राइट येलो कलर के इलांगेटेड पोस्टूल्स आते हैं और जिनका साइज पिन हेड साइज का होता है जो सुई का टिप होता है ना उसी के साइज का होता है मतलब बहुत छोटा छोटा होता है और ये मेनली लिप्स में आते हैं लेकिन जब सीवियर कंडीशन है ज्यादा मात्रा में डिजीज आ रही है तो ये लिप सीथ में और स्टेम में भी बनते हैं और इसकी एक खासियत है इसमें जब भी पोस्टुल्स बनते हैं तो वो पैरलर में दो चलते रहते हैं और ऐसी एक स्टाइप का फॉर्मेशन करते हैं द सुराई आर मोस्टली सब इपिडर्मल एंड आर रिमेंड कवर्ड बाई इपिडरमल लेयर तो ये जो सोराई होते हैं वो इपिडर्मिस लेयर से कवर होते हैं ब्रेक ओनली एट द टाइम ऑफ क्रॉप मेच्यूरिटी ये जो इपीडरमल लेयर है वो जब क्रॉप मेच्योर होगा उसी समय टूटता है द टीलियोसोराई अपियर लेट इन द सीजन एंड आर ऑल्सो अरेन्ज इन लीनियर रोज प्रोड्यूस ब्लैक क्रस्ट तो जब लेट सीजन में ये यूरोडोसोराई बाद में टीलियोसोराई में कन्वर्ट हो जाते हैं और अभी जहां पर यूरेडोस्पोर बन रहे हैं वहां पर टीलियोस्पोर बनने लगता है टीलियोस्पोर ब्लैक कलर का होता है इसीलिए ब्लैक अपियरेंस देता है यह देखिए इसके जो सिम्टम है वो दो ऐसे पैरलर में चलते रहते हैं इसीलिए इसे स्ट्राइप रस्ट कहते हैं इटियोलॉजी माइसीलियम इसके भी माइसिलियम सेप्टेट बाइन्यूक्लियट और इंटरसेलुलर होते हैं यूरोडोसपोर ये भी स्टाफ सिंगल सेल्ड बाई न्यूक्लिएट नियरली राउंड विथ टाइनी स्पाइंस एंड थिक वॉल्ट ठीक है तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो नियरली राउंड होते हैं मतलब पूरे गोलाकार होते हैं जबकि स्टेम रस्ट में ये अंडाकार के थे ठीक है स्पोर वॉल इज कलरलेस तो ये रंगहीन होते हैं और इसका डायमीटर 20 टू तो 25 माइक्रोमीटर का होता है इट प्रोड्यूस सिक्स टू सिक्सटीन जर्म ट्यूब तो ये जो नंबर ऑफ जर्म ट्यूब है वो स्टेम रस्ट ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट तीनों में अलग अलग है पहले में चार था उसके बाद सेवन टू टेन और फिर सिक्स टू सिक्सटीन टिलियोस्पोर दे आर ऑल्सो स्टॉक्ट टू सेल्ड बाई न्यूक्लिएट थी क्वाल्ट डार्क ब्राउन एंड अपेक्स इज प्लेटेड सो तीनों के टीलियोस्पोर का जो टिप है वो अलग अलग है पहले वाले में पॉइंटेड था दूसरा वाला राउंडेड था और तीसरा फ्लैट है नंबर ऑफ चैम्बर इज लेस देन लीफ रस्ट सोरस इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप बाय पैराफाइसिस सो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पैराफाइसिस है और दो पैराफाइसिस के बीच में एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसी में टिलियोस्पोर बनता है ये जो पैराफाइसिस है वो स्टेम रस्ट में एबसेंट थे फेवरेबल कंडीशन डे टेम्परेचर रिक्वायर्ड ट्वेल्व टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन स्टेम एंड लिप्स एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर डिजीज साइकिल ऑफ वी ट्रस्ट आर पक्सिनिया पाथवे इन इंडिया सो जो डिजीज साइकिल होता है पक्सिनिया का उसे पक्सिनिया पाथ भी कहते हैं पहले देखते हैं स्पोर्स इन रस्ट पक्सिनिया में पांच टाइप के स्पोर्स बनते हैं और वो हैं पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, टीलियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर और इन्हें रोमन नंबर में डिनोट करते हैं पिकनियोस्पोर को जीरो से एसियोस्पोर को वन से यूरेडोस्पोर को टू से टीलियोस्पोर को थ्री से और बेसिडियोस्पोर को फोर से ठीक है और इन्हें याद करने का कोड है पापा जी यू टी वी दिखाओ पी ए यू टी एन बी पिकनियोस्पोर को इस परमेसिया के नाम से भी जानते हैं लाइफ साइकल यहां से स्टार्ट करते हैं बेसिडियोस्पोर बेसिडियोस्पोर एन नंबर का होता है मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेसिडियोस्पोर से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे पिकनियम कहते हैं पिकनियम में स्पोर्स बनते हैं जिसे पिकनियोस्पोर कहते हैं या स्पर्मेसिया कहते हैं इसी में स्पर्मेटाइजेशन होता है ये क्या है दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है एक रिसेप्टिव हाइफी होता है वहां पर स्पर्मेसिया आता है और हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन बनाता है और हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम बनते हैं और वो माइसीलियम एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कहते हैं एसियम एशियम में स्पोर्स बनते हैं जिसे एसियोस्पोर कहते हैं एसियोस्पोर जर्मिनेट होता है और बनाता है यूरोडोसोराई इसके अंदर यूरोडोस्पोर बनते हैं वीट के तीनों रश्ट में जो पुस्टुल्स बनते हैं वो क्या है यूरोडोसोराई है मतलब रस्ट के पुस्टुल्स को यूरोडोसोराई के नाम से भी जानते हैं इसके बाद टिलियोसोराई बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है यहां पर टीलियोस्पोर्स बनते हैं टीलियोस्पोर में म्योसिस होती है और बेसिडियोस्पोर बनते हैं अगर हम न्यूक्लियर स्टेटस को देखें मतलब मतलब इन स्पोर्स में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं तो वो हो जाएंगे बेसिडियोस्पोर्स में एक ही न्यूक्लियस है इसीलिए एन है पिकनियोस्पोर में भी एन होगा एसियोस्पोर में एन प्लस एन होगा यूरेडोस्पोर भी एन प्लस एन और टीलियोस्पोर एन प्लस एन स्टार्टिंग में होता है लेकिन मैच्योरिटी के बाद ये टू एन में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें म्योसिस होती है म्योसिस के बाद चार बेसिडियोस्पोर बनते हैं और ये जो टू एन है वो चार एन न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से इसका साइकिल चलते रहता है जो डिजीज साइकिल है वो लाइफ साइकिल से अलग होता है ये जो फंगस का लाइफ साइकिल है इसमें अगर होस्ट फैक्टर को भी ऐड कर दें तो बन जाता है डिजीज साइकिल आगे देखते हैं डिजीज साइकिल क्या होता है अभी हम देख रहे हैं डिजीज साइकिल ऑफ ब्लैक रस्ट मतलब पक्सीनिया ग्रेमिनिस टीटीसी का लाइफ साइकिल सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है पिकनियोस्पोर और एसियोस्पोर ये दोनों बर्बेरी में बनते हैं जो कि पक्सिनिया का अल्टरनेट होस्ट है और यूरोडोस्पोर और टीलियोस्पोर ये दोनों वीट में बनते हैं जो कि इसका मेन होस्ट है और जो बेसिडियोस्पोर है वो टीलियोस्पोर के ऊपर बनता है ठीक है यहां से स्टार्ट करते हैं टीलियोस्पोर अभी एन प्लस एन कंडीशन है ध्यान से देखिए यहां पर एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये क्या हो गया एन प्लस एन इसके बाद इसमें कैरियोगेमी होता है और दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं फिर ये बन जाता है टू एन इसके बाद इसमें मियोसिस होती है प्रोमाइसिलियम बनता है और चार बेसिडियोस्पोर बनते हैं ये होते हैं एन वाले मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब ये हवा में उड़ते उड़ते जाते हैं और बारबेरी प्लांट के अपर सरफेस में लैंड करते हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं इकनियम और यहाँ पर स्पर्मेसिया बनता है जिसे पिकनियोस्पोर कहते हैं फिर एक हाइफ़ी बनता है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और वो हैट्रोकैरियोटिक हाइफी प्लांट के लीफ में ग्रो करता है और प्लांट सरफेस के निचली साइड में चले जाता है और वहाँ पर इन्वर्टेड कप सेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं एसीएम और एशियम में जो स्पोर बनते हैं जो कि एन प्लस एन होते हैं उसे कहते हैं एसीोस्पोर अब ये एसियोस्पोर हवा में उड़ते हुए जाता है वीट प्लांट में वहाँ पर जर्मिनेट होता है और इन्फेक्शन करता है और यूरोडोसोरस बनाता है यहाँ पर यूरोडोस्पोर बनते हैं और ये स्पोर किसी दूसरे वीट प्लांट में जाते हैं वहाँ पर फिर से इन्फेक्शन करते हैं फिर से यूरोडोसोरस बनता है तो ये वाला एक सेकेंडरी साइकिल चलते रहता है बाद में जब वीट का सीजन खत्म होते रहता है उस समय यूरेडोस्पोर टिलियोसोरस बनाते हैं और वहां पर टीलियोस्पोर बनता है और यह भी एन प्लस एन होता है बाद में इसमें कैरियोगेमी होगी म्योसिस होगा इस प्रकार से यह जो साइकिल है वो चलते रहता है पक्सिनिया पाथ लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट एंड एनुअल रिकरेंस ऑफ वीट रस्ट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न विच इज नॉन एज पक्सनिया पाथ समझते हैं ये क्या होता है ये है यूएसए का मैप क्योंकि जो पक्सिनिया पाथ है उसे सबसे पहले यूएसए में डिस्कवर किया गया था ये जो ग्रीन वाले एरिया दिख रहे हैं ये है वीट ग्रोइंग एरिया तो क्या होगा वीट में यूरेडोस्पोर और टेलियोस्पोर बनते हैं उसके बाद टेलियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर बनता है ये बेसिडियोस्पोर जब वीट का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो हवा में उड़ते हुए जाते हैं और जो बारबेरी प्लांट है वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं बारबेरी प्लांट में बेसिडियोस्पोर से पिकनियोस्पोर और एसीपोर बनेगा अब ये एसीपोर फिर से हवा में मूव होकर आता है और वीट में फिर से वो इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन कहीं और पे होगा और ये सर्वाइव कहीं और करते हैं तो ये जो साइकिल है लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ये साल भर चलते रहता है इसी को पक्सिनिया पाथवे कहते हैं जो कि स्टेकमैन नाम के साइंटिस्ट ने यूएसए में डिस्कवर किया था ठीक है डॉक्टर केसी मेहता उन्होंने कहा देयर इज नो रोल ऑफ बारबेरीज इन इंडिया इन समर टिलियोस्पोर एंड यूरोडोस्पोर डाई इन द प्लेन रीजन ऑफ इंडिया सेल्फ ग्रोन व्हीट and off season wheat in nilgiri and palni hill play important role for the survival of the eurodospore theek hai to abhi jo humne ye disease cycle dekha tha ye india mein present hai hi nahi india mein koi dusra hi pattern hai usi ko dekhte hain so dr kesi mehta ne kaha कि जो barberry plant है जो कि उसका alternate host है इंडिया में उसका कोई role है ही नहीं समर सीजन में यहां पर इतनी गर्मी होती है कि टीलियोस्पोर और यूरडोस्पोर ये दोनों प्लेन रीजन में मतलब मैदानी भाग में मर जाते हैं और जो अपने आप से ग्रो होते हैं वीट या फिर ऑफ सीजन वीट जो कि नीलगिरी हिल्स में या पालनी हिल्स में प्रेजेंट हैं वहां पर रस्ट फंगस के स्पोर सर्वाइव करते रहते हैं सो so ये नीलगिरी हिल्स कहाँ हैं तमिलनाडु में ठीक है डॉक्टर एस नागराजन एंड एच सिंह उन्होंने कहा सेल्फ ग्रोन वीट एंड ऑफ सीजन वीट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल येलो रस्ट पैथोजन इन इन ऑफ सीजन हिमालया ब्लैक रस्ट पैथोजन सरवाइव इन ऑफ सीजन इन नीलगिरी एंड पालनी हिल्स ब्राउन रस्ट सरवाइव इन ऑफ सीजन इन हिमालया एंड नीलगिरी सो उन्होंने बताया कि येलो रस्ट के जो यूरोडोस्पोर हैं वो हिमालय में सरवाइव करते हैं किसमें वीट में जो वाइल्ड वीट होते हैं उसमें सरवाइव करता है ब्लैक रस्ट पैथोजन के जो स्पोर्स हैं वो नीलगिरी हिल्स में जो यहां पर तमिलनाडु रीजन में प्रेजेंट है और पालनी हिल्स वहां पर सरवाइव करता है और ब्राउन रस्ट के जो पैथोजन है वो नीलगिरी हिल्स और हिमालय दोनों में ही सरवाइव करता है आगे समझते हैं ये है मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया सो पंजाब यूपी मध्य प्रदेश और ये वाला जो बेल्ट है यहां पर वीट लगाया जाता है और ये जो पैथोजन के स्पोर हैं वो तो हिल एरिया में है सो so, क्या होगा ये मूव हो के यहाँ से मैदानी भाग में आएंगे और इन्फेक्शन करेंगे सो ये कैसे आते हैं मानसून के साथ ये जो रेड कलर के एरोज दिख रहे हैं ये दिखा रहा है कि विंड का मूवमेंट मानसून सीजन में कैसे होता है सो ये साउथ इंडिया से सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में मूव करते हैं सो हवा के साथ ये जो पैथोजन है वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में मूव करता है और ये जो पैथोजन है वो मोर देन टू थाउजेंड मीटर की हाइट में मूव करते हैं पहले देखते हैं ब्लैक रस्ट के बारे में जो ब्लैक रस्ट है वो सेंट्रल इंडिया में ही आता है नॉर्थ इंडिया में ब्लैक रस्ट नहीं पाया जाता सो so, इसके जो स्पोर्स हैं यूरेडोस्पोर वो यहां पर वीट में सर्वाइव करने हैं मानसून के साथ ये मूव करेगा हवा के मूवमेंट के साथ ये सेंट्रल इंडिया आएगा और यहाँ के वीट में ये इन्फेक्सन करता है यहाँ पर यूरोडोस्पोर आया इन्फेक्शन किया जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो टीलियोस्पोर बनाएगा टीलियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर बनेगा लेकिन समर सीजन में इतनी गर्मी पड़ती है कि ये जो स्पोर्स हैं वो मर जाते हैं लेकिन जो हिली एरिया में हैं वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती है और ये स्पोर्स सर्वाइव करते रहते हैं फिर अगले साल फिर से यहाँ से स्पोर्स आते हैं फिर से इन्फेक्शन करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं पक्सिनिया पाथ इन इंडिया ब्राउन रस्ट के बारे में भी देख लेते हैं जो ब्राउन रस्ट का यूरेडो है वो नीलगिरी एंड पालनी हिल्स और हिमालय दोनों में सर्वाइव करता है हवा के साथ ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया दोनों में आता है क्योंकि जो ब्राउन रस्ट है वो नॉर्थ इंडिया में भी आता है और सेंट्रल इंडिया में भी आता है फिर यहाँ पर इन्फेक्शन करेगा यूरोडोस्पोर यूरोडोस्पोर से फिर से बनेगा यूरोडोस्पोर लास्ट में जब सीजन ख़त्म होगा उस समय टिलियोस्पोर बनेगा टिलियोस्पोर से बेसिडियोस्पोर बनेगा लेकिन समर में हाई हीट के कारण ये मर जाते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते अगले साल फिर से ये आएंगे फिर से इन्फेक्शन करेंगे वैसे ही येलो रस्ट के लिए येलो रस्ट केवल नॉर्थ इंडिया में आता है सेंट्रल इंडिया में नहीं आता है और इसके स्पोर्स इस का मूवमेंट हिमालय से नॉर्थ इंडिया हिमालय से नॉर्थ इंडिया ऐसे ही चलते रहता है सो so, ये जो डिजीज साइकिल है ब्लैक रस्ट ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अगर लाइफ साइकिल पूछा जाता है पक्सिनिया का तो इसे बनाना है और अगर केवल डिजीज साइकिल पूछा जाता है इंडिया के, के केस की बात नहीं किया जा रहा है तो इसे बनाना है कि इसमें बारबेरीज होता है व्हीट है इन सबको बनाना है लेकिन अगर पूछा जाता है कि पक्सिनिया पाथ इन इंडिया या फिर डिजीज साइकिल इन इंडिया तो आपको इसको बनाना पड़ेगा ठीक है येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट हिमालय में ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट नीलगिर एंड पलनी हिल्स में होप करता हूं कि आपको डिजीज साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए मैनेजमेंट ऑफ वीट ट्रस्ट वी सुड एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज सो इसमें फर्स्ट मेथड है जीन डिप्लॉयमेंट एलोकेशन ऑफ रजिस्टेंट वेराइटी बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन रेस सो पहले देखते हैं ये पैथोजन रेस होता क्या है ग्रुप ऑफ पैथोजन विच कैन इनफेक्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ होस्ट वेरायटी इज नॉन एज पैथोजन रेस फॉर एग्जाम्पल पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट डीसी का एक रेस है ए जो कि होस्ट वेरायटी एक्स में इन्फेक्शन करता है लेकिन वाई में इन्फेक्शन नहीं कर सकता और दूसरा रेस है बी जो कि होस्ट वेरायटी वाई में इन्फेक्शन करता है लेकिन एक्स में इन्फेक्शन नहीं कर सकता तो अगर हमें रेस ए और रेस बी का मैनेजमेंट करना है तो क्या करना होगा जहां पर रेस ए प्रेजेंट है वहां पर हमें होस्ट वेरायटी वाई को ग्रो करना है और जहां पर रेस बी प्रेजेंट है वहां पर होस्ट वेरायटी एक्स को ग्रो करना है इसी को कहते हैं जीन डिप्लॉयमेंट सो पहले ये सर्वे करके पता करना है कि कौन सा रेस किस रीजन में प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रेजिस्टेंट वेराइटी वीट की रिलीज करनी चाहिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो रजिस्टेंट वेराइटी है ये हमारी आर्मी है और इन्हें जहां पर जरूरत पड़ेगा वहीं पर ही हमें डिप्लॉय करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं जीन पैरामिडिंग इनकारोरेशन ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन इन सिंगल वेरायटी वीट में पक्सिनिया के अगेंस्ट बहुत सारे रजिस्टेंट जीन अवेलेबल हैं जैसे कि स्टेम रस्ट के लिए एस आर थर्टी एट एस आर थर्टी सिक्स एस आर ट्वेंटी सिक्स लिफ रश्ट के लिए एल आर ट्वेंटी सिक्स एल आर ट्वेंटी फोर एंड एल आर नाइनटीन येलो रस्ट के लिए वाई आर टू नाइन एंड फिफ्टीन सो एक ही वेराइटी में दो या दो से अधिक रजिस्टेंट जीन को इनकॉर्पोरेट करना इसी को कहते हैं जीन पैरामीडिंग और ये कैसे करते हैं डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड से जैसे एक वेराइटी बना लिए जिसमें ए एस आर ट्वेंटी सिक्स प्रेजेंट है एल आर नाइनटीन प्रेजेंट है और वाई आर फिफ्टीन प्रेजेंट है तो वो जो वेराइटी है वो तीनों राष्ट्र के लिए रजिस्टेंट हो जाएगा इसी प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग टाइप के वेराइटी बना सकते हैं और जहां पर उसकी जरूरत है उस एरिया के लिए हम उसको रिलीज करेंगे यूज ऑफ रजिस्टेंट वेराइटीज लाइक एच डी थ्री जीरो एट सिक्स पूसा किरण एंड पुसा मालवी ये जो वेराइटी है एच डी थ्री जीरो एट सिक्स ये सबसे लेटेस्ट वेराइटी है अभी वीट की बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हमें फील्ड में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर को ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए जब होस्ट में वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है तो उसका डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाता है अवॉइड स्प्रिंकलर इरीगेशन हमें वीट फील्ड में स्प्रिंकलर के द्वारा इरीगेशन नहीं देना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से वाटर प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण से क्रॉप की कैनोपी में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है जिससे कि इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है इंटर क्रॉपिंग ऑफ वीट विथ अदर क्रॉप्स वीट को किसी दूसरे क्रॉप के साथ इंटर क्रॉप करना चाहिए इससे क्या होता है जो पैथोजन का मूवमेंट है एक ही फील्ड में वो कम हो जाता है और डिजीज़ कम मात्रा में आती है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ हमें एक लार्जर एरिया में एक ही वेरायटी को शो नहीं करना चाहिए हमें अलग अलग वेरायटी को ग्रो करना चाहिए जिससे कि एक ही रेस का पैथोजन पूरे एरिया को अफेक्ट ना कर सके और डिजीज कम मात्रा में आए इरेडिकेशन ऑफ सेल्फ सोन वीट प्लांट जो अपने से ही उगते हैं वीट प्लांट जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसे हमें इरेडिकेट कर देना चाहिए एडजस्ट टाइम ऑफ सोइंग एंड अवॉइड लेट सोइंग फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्ली सोइंग करते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही अगर वीट को ग्रो करेंगे तो वो प्लांट मार्च के आते आते मैच्योर हो जाएगा और जो स्टेम रस्ट है वो मार्च अप्रैल में आता है तब तक हमारा प्लांट मैच्योर हो जा रहेगा तो स्टेम रस्ट से लॉस कम होगा इसी प्रकार से हमें डेट ऑफ सोइंग को एडजस्ट करना चाहिए अवॉइड ग्रोइंग ऑफ ओल्ड वेराइटीज कोई भी वेरायटी जब रिलीज होती है तो उसके तीन से पाँच साल में वो ससेप्टिबल बन जाती है इसीलिए हमें ओल्ड वेराइटी को ग्रो नहीं करना चाहिए और जो लेटेस्ट रिलीज वेरायटी है उसे ग्रो करना चाहिए स्प्रे ट्वाइस प्लांटावेक्स जीरो पॉइंट वन परसेंट और प्रोपिकोनाजोल जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट एट फिफ्टीन डेज इंटरवल हम रस्ट के मैनेजमेंट के लिए केमिकल भी स्प्रे कर सकते हैं कौन सा केमिकल प्रोपिकोनाजोल जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट यूज बायो कंट्रोल एजेंट डार्लुका फाइलम ये जो फंगस है डार्लुका फाइलम ये पक्सिनिया को कंट्रोल करता है इसीलिए हमें इस बायो कंट्रोल एजेंट को यूज करना चाहिए लूज स्मर्ट ऑफ वीट लूज स्मट ऑफ वीट इज कॉज बाई अ फंगस न्यूडा युस्टीलागोन्यूडाटिटीसी सिम्टम द सिम्टम्स आर इविडेंट ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंस ऑफ द पेनिकल from the boat leaf all the spatulate in a panicle transform into a mass of black powdery spores the infected panicle emerge two days earlier than the healthy and the spores are covered with silvery membrane this thin membrane gets ruptured exposing the mass of black spores the spores are easily ब्लोन बाई द विंड लिविंग द बेयर के सिम्टम केवल ग्रेन्स में दिखाई देते हैं या स्पाइकलेट में दिखाई देता है क्या होता है जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसमें दो दिन पहले ही जो इसके स्पाइकलेट होते हैं वो बूट लिप से बाहर निकल आते हैं और इसमें ग्रेन ना बन के ग्रेन के जगह में ब्लैक पाउडर मास बनता है ठीक है और यह ब्लैक पाउडर मास व्हाइट कलर के पेपरी मेम्ब्रेन से ढका होता है बाद में जब ये मेम्ब्रेन फट जाता है तो ब्लैक पाउडर हवा में उड़ने लगते हैं और दूसरे प्लांट्स में इंफेक्शन करते हैं जब ऐसे सिम्टम मेच्योर हो जाते हैं और ये जो पेपरी मेम्ब्रेन है वो फटता है तो केवल रेचिस ही दिखाई देता है ठीक है ये है नॉर्मल स्पाइकलेट और यह है इन्फेक्टेड स्पाइकलेट रेचिस क्या होता है स्टेम का वो पोर्शन जिसमें कि ग्रेन लगे होते हैं जैसे यह है रेचिस और इसमें ऐसे ग्रेन लगे होते हैं तो इन्फेक्टेड प्लांट में केवल रेचिस ही बचता है बाकी सब तो ब्लैक पाउडर के रूप में स्प्रेड हो जाता है स्मट और बंट में ये डिफरेंस है कि स्मट में जो पूरा ग्रेन है वो ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन बंट में कुछ पोर्शन ही ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं युटियोलॉजी युस्टिलोगो बिलोंग टू सब डिविजन बेसिडियो एंड फैमिली युस्टीलेजिनेसी इसमें माइसिलियम सेप्टेट होता है ब्रांच होता है हाई होता है और डाइकैरियोटिक होता है एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं क्लेमाडोस्पोर यह स्फेरिकल या ओवल होता है ब्राउन कलर का होता है क्लेमाडोस्पोर जर्मिनेट होता है और सेप्टेड प्रोमाइसिलियम बनाता है इसमें स्पोरिडिया इस या बेसिडियोस्पोर नहीं बनता है तो ध्यान में रखने वाली बात है इसमें टिलियोस्पोर को टिलियोस्पोर नहीं कहते हैं क्लेमाडोस्पोर कहते हैं क्यों क्योंकि टीलियोस्पोर जर्मिनेट होता है प्रोमाइसिलियम बनाता है उसके बाद बेसिडियोस्पोर बनाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है टीलियोस्पोर जर्मिनेट होता है प्रोमाइसिलियम बनाता है और यही प्रोमाइसिलियम बेसिडियोस्पोर के जैसा बिहेव करते हैं इसीलिए इन्हें टीलियोस्पोर ना कह के क्लेमाडोस्पोर कहते हैं यह है इसका क्लेमाडोसपोर ये स्पेरिकल होते हैं और स्मॉल स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90 परसेंट हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड ससेप्टिबल वेराइटी ये सब कंडीशन अगर होंगे तो डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में आती है इसका भी डिजीज साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग होता है इसीलिए हम इसे सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है सर्वाइवल कि पैथोजन ऑफ सीजन में कहां पर सर्वाइव करता है दूसरा है प्राइमरी इंफेक्शन सीजन का पहला इन्फेक्शन कहां पर होता है उसे कहते हैं प्राइमरी इंफेक्शन और है सेकेंडरी इंफेक्शन कि फील्ड के अंदर डिजीज एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे फैलता है सो लूज ऑफ वीट में सर्वाइवल सीड्स में होता है यहां पर जो माइसीलियम है वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है इसका प्राइमरी इंफेक्शन टिलियोस्पोर्स के द्वारा होता है और फ्लावरिंग स्टेज में होता है और इसमें सेकेंडरी इंफेक्शन एबसेंट होता है अब इसे समझते हैं सर्वाइवल ये सीड है और सीड में ये एम्ब्रियो है एम्ब्रियो के अंदर में ये जो रेड कलर की लाइन है वो माइसीलियम है सो so, ये इंफेक्टेड सीड है बाद में फार्मर जब इस इन्फेक्टेड सीड को ग्रो करेगा उसके बाद सीड का जर्मिनेशन होगा और प्लांट बनेगा साथ ही साथ जो अंदर माइसिलियम प्रेजेंट है वो भी ग्रो होगा और धीरे धीरे ये वीट के ईयर में पहुंच जाएगा फिर ये फंगस जब ईयर में पहुंच जाता है तो वहां पर सीड के जगह पे ब्लैक पाउडरी माज बनते हैं और पहले ये व्हाइट कलर के पेपरी मेम्ब्रेन से ढके होते हैं ये जो स्पोर्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं एन नंबर के होते हैं लेकिन यहां जो माइसिलियम प्रेजेंट है वो हेट्रोकैरियोटिक होता है और एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इन सब माइसिलियम में पहले मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद ये स्पोर्स बनते हैं इन स्पोर्स को क्लेमाडोस्पोर्स कहते हैं और हमें सिम्टम दिखाई देता है सिम्टम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बाद में व्हाइट कलर का पेपरी मेम्ब्रेन रप्चर होता है और जो स्पोर्स हैं वो हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं स्प्रेड होने के बाद ये स्पोर्स फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करते हैं और वहां पर जाकर जर्मिनेशन होता है जर्मिनेशन के बाद ये स्पोर्स इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं ये इन्फेक्शन थ्रेड अभी एन नंबर के हैं मतलब हेप्लॉइड होते हैं ऐसे ही दो इन्फेक्शन थ्रेड आपस में मिलते हैं और डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं अब ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक जाता है और ओवरी में इन्फेक्शन करता है वहां पर माइसिलियम एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो में जो माइसीलियम प्रेजेंट है वो हेट्रोकैरियोटिक होता है डाई होता है अब इसके डिजीज साइकिल को एक समरी के रूप में देखते हैं जो फंगस है वो एज अ माइसिलियम एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है बाद में इस इन्फेक्टेड सीड को अगर फार्मर यूज करता है तो सीड के जर्मिनेशन के साथ ही साथ पैथोजन में ग्रोथ होता है और ये इसके स्पाइकलेट में पहुंच जाता है वहां पर मियोसिस होती है म्योसिस के बाद उसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं और ग्रेन की जगह में ब्लैक पाउडरी मास बनता है पहले ये स्पोर्स व्हाइट कलर के पेपरी मेम्ब्रेन से ढके होते हैं बाद में जब ये रप्चर होता है तो ये स्पोर्स बाहर आते हैं और हवा में फैल जाते हैं उसके बाद ये दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा में जाते हैं वहां पर जर्मिनेशन होता है डायकेरोटिक माइसिलियम बनता है और ये डायकेरोटिक माइसीलियम इन्फेक्शन करता है और ओवरी तक जाता है फिर यह एम्ब्रियो में एज अ माइसिलियम प्रेजेंट होता है इस प्रकार से यह साइकिल चलते रहता है और इसमें सेकेंडरी इंफेक्शन साइकिल एबसेंट होता है तो इतना था लूज इसमेंट ऑफ वीट के डिजीज साइकिल के बारे में मैनेजमेंट वी शुड एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी लाइक एनपी सेवन नाइन वन एनपी सेवन वन जीरो यूज ओनली सर्टिफाइड सीड हमें ऐसे सीड ही परचेस करने चाहिए जो कि सर्टिफाइड है मतलब जो क्लेम करते हैं कि उस बीज में कोई भी बीमारी करने वाले रोग कारक उपस्थित नहीं है उसी को कहते हैं सर्टिफाइड सीड सीड ट्रीटमेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट इन 52 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर फॉर 11 मिनट तो इस कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखना है बावन डिग्री सेंटीग्रेड और ग्यारह मिनट ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं सोलर हीट ट्रीटमेंट अवॉइड एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अवॉइड स्प्रिंकलर इरिगेशन हमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन नहीं करना चाहिए अगर हम स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन करेंगे तो फील्ड में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है कवर द इन्फेक्टेड स्पाइकलेट इन पेपर बैग और पॉलीथीन एंड बर्न आउटसाइड द फील्ड जैसे हमें पता चला कि ये जो स्पाइकलेट है वो इन्फेक्टेड है तो क्या करना है एक पेपर बैग से या पॉलीथीन से इसको ढक देना है और इसको फील्ड के बाहर ले जाकर नष्ट कर देना चाहिए ठीक है सोलर हीट ट्रीटमेंट मई या जून के महीने में सोलर हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए पहले सीड को नॉर्मल पानी में डुबा के रखना है फिर इसे सवेरे आठ से बारह बजे तक धूप में रखना है उसके बाद बारह बजे के बाद इसे निकाल कर धूप में सुखा देना है इससे क्या होता है जब सीड्स को पानी में डुबाते हैं तो पैथोजन का जो माइसिलियम सीड्स में प्रेजेंट है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और अपनी डोरमेंसी से बाहर आता है फिर जब इसे धूप में सुखा देते हैं उस समय मॉइस्चर खत्म हो जाता है और ये जो माइसिलियम ग्रोथ करने वाला होता है वो मर जाता है सीड ट्रीटमेंट विथ विटावेक्स जीरो पॉइंट टू परसेंट एंड स्प्रे कार्बेंडाजिम और विटावेक्स ड्यूरिंग Enthesis. Karnal Bunt of Wheat. Karnal Bunt disease was first time reported by Mitra in 1931 from Karnal district. This is a sporadic disease as well as quarantine disease. Karnal Bunt is caused by Neosia indica. Earlier it was known as Tilesia indica. But neosia is different from Tilesia. so now the correct answer for the question causal organism of karnal bunt is neosia indica coming to symptom symptom appears only in grains the grains are either partially or in severe case whole grain is converted into black powder of bunt spore only endosperm is affected

ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट है लेकिन इतना पोर्शन हेल्दी है और अगर सीवियर कंडीशन आता है बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है तो पूरे का पूरा ग्रेन जो है वो ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट हो जाता है ये है हिल एक हिल में बहुत सारे स्पाइकलेट प्रेजेंट होते हैं तो अगर ये बीमारी आती है तो एक हिल के सभी स्पाइकलेट अफेक्टेड नहीं होते हैं केवल कुछ कुछ में ही बीमारी आती है और दूसरी खास बात एक स्पाइकलेट में बहुत सारे बीज होते हैं जैसे 50 से 70 बीज होंगे तो उनमें से केवल कुछ बीज में ही इन्फेक्शन होता है और वो सिम्टम शो करते हैं ठीक है तो एक तरह से ये पार्शियल बंट है एक हिल के सभी स्पाइकलेट प्रभावित नहीं होते हैं एक स्पाइकलेट के सभी ग्रेन्स प्रभावित नहीं होते हैं और एक ग्रेन का कुछ भाग ही ब्लैक पाउडर मास में कन्वर्ट होता है और इन्फेक्टेड फील्ड से सड़ी हुई मछली की बदबू आती है ठीक है इथियोलॉजी द पैथोजन बिलोंग टू सब डिविजन बेसिडियोकोटिना फैमिली डिलेटीएसी इसका माइसिलियम होता है सेप्टेट मतलब माइसिलियम है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है ब्रांच होता है और हाइलाइन होता है इसका कलर इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है और यह डाई होता है एक सेल में दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टिलियोस्पोर टिलियोस्पोर डार्क होते हैं और उसमें स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसका सेप स्पेरिकल होता है जब ये जर्मिनेट होते हैं तो टू टाइप के स्पोरिडिया बनाते हैं जो इसका बेसिडियोस्पोर है उसे स्पोरिडिया कहते हैं यह है इसका टिलियोस्पोर इसमें स्पाइन इस के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और जब यह टिलियोस्पोर जर्मिनेट होता है तो दो तरह का स्पोरिडिया बनाता है यह जो लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं यह है फिलिफॉर्म स्पोरिडिया इनका काम होता है एलेंटोइड स्पोरिडिया का फॉर्मेशन और यह जो किनारे में सिकल जैसे दिखाई दे रहे हैं यह है एलेंटोड स्पोरिडिया और जो इन्फेक्शन होता है वो इन्हीं स्पोरिडिया के कारण होता है डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाइवल प्राइमरी इंफेक्शन और सेकेंडरी इंफेक्शन इसमें सरवाइवल सीड्स में और सॉइल्स में होता है एज टीलियोस्पोर प्राइमरी इंफेक्शन स्पोरिडिया के द्वारा होता है जो कि टीलियोस्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनते हैं और इसमें इंफेक्शन सीड्स में होता है ओवरी में होता है करनाल बंट में सेकेंडरी इंफेक्शन एबसेंट होता है अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं सर्वाइवल जो टीलियोस्पोर्स हैं, वो सीड्स में और सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं इनके स्पोर्स सॉइल में पांच साल तक सर्वाइव कर सकते हैं फिर जब फार्मर इस इंफेक्टेड सीड को यूज करते हैं तो सीड के साथ पैथोजन भी फील्ड में चले जाते हैं या तो ऐसे भी हो सकता है कि उस फील्ड में पहले से ही टीलियोस्पोर्स प्रेजेंट हैं उसके बाद सीड में जर्मिनेशन होता है और प्लांट बनता है पौधे में ग्रोथ होता है उसके बाद स्पाइकलेट्स बनते हैं जब वीट में फ्लावरिंग होती है उस समय इसके टीलियोस्पोर्स में जर्मिनेशन होता है और बेसिडियम बनता है यह बेसिडियम पहले प्राइमरी स्पोरिडिया बनाता है प्राइमरी स्पोरिडिया फिलीफॉर्म सेप का होता है इसीलिए इसे फिलीफॉर्म स्पोरिडिया भी कहते हैं फिलीफॉर्म स्पोरिडिया से एलेंटोइड स्पोरिडिया बनते हैं इसे सेकेंडरी स्पोरिडिया भी कहते हैं यह कहां बनते हैं सॉइल में उसके बाद ये सेकेंडरी स्पोरिडिया हवा के द्वारा फैलते हैं और फ्लावर तक पहुंच जाते हैं ये जो सेकेंडरी स्पोरिडिया होते हैं वो एन नंबर के होते हैं होते हैं। जब ये स्टिग्मा में पहुंचते हैं वहां पर ये जर्मिनेट करते हैं और माइसीलियम बनाते हैं ऐसे ही दो अलग अलग टाइप के माइसिलियम आपस में मिलते हैं और डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं डाइकोरडिक माइसिलियम सीड्स में इन्फेक्शन करते हैं फिर यह फंगस सीड्स में ग्रो करते हैं इनके नंबर्स बढ़ते हैं और फिर से टीलियोस्पोर्स बनाते हैं जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में टीलियोस्पोर्स बनाते हैं तो हमें यह सिम्टम्स दिखाई देते हैं फिर यह टीलियोस्पोर्स हार्वेस्टिंग के टाइम ग्रेन से गिर जाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं अगले सीजन में फिर से यह साइकिल रिपीट होता है और ये साइकिल चलते रहता है यहां पर भी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता है वीट के एक ग्रोइंग सीजन में पैथोजन का एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है इसको इस पिक्चर्स के द्वारा समझते हैं जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड सीड्स में और सॉइल में सर्वाइव कर रहे हैं बाद में वीट का कल्टिवेशन होगा जर्मिनेशन के बाद प्लांट बनेगा फिर उसमें फ्लावरिंग होगी वीट के फ्लावरिंग स्टेज में टिलियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं प्राइमरी स्पोरिडिया बनता है उसके बाद सेकेंडरी स्पोरिडिया बनता है और ये सेकेंडरी स्पोरिडिया फ्लावर्स में जाते हैं वहां पर ये डाइकोरोटिक माइसीलियम बनाते हैं और ग्रेन्स में इंफेक्शन करते हैं ये इन्फेक्टेड ग्रेन्स हार्वेस्टिंग के टाइम दूसरे ग्रेन्स के वाल में चिपक जाते हैं या तो सॉइल में चले जाते हैं इस प्रकार से यह साइकिल चलते रहते हैं तो यह था डिजीज साइकिल ऑफ करनाल बंट फेवरेबल कंडीशन मॉडरेट टेम्परेचर 19 टू तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70 परसेंट क्लाउडी वेदर रेनफॉल ड्यूरिंग फ्लावरिंग और ससेप्टेबल वेराइटीज जो डॉर्फ वेराइटी होती है वो करनाल बंड के लिए बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल होती है इसका डिजीज साइकिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसीलिए इसे हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक ग्रो रजिस्टेंट वेराइटी एच डी ट्वेंटी नाइन एंड एच डी थर्टी यूज ओनली सर्टिफाइड सीड्स हमें रिलायबल सोर्स से ही जो सीड है उसको कलेक्ट करना चाहिए परचेस करना चाहिए सीड ट्रीटमेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर हीट ट्रीटमेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करना है एक कंटेनर लेना है इसमें 52 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को डालना है फिर इसमें सीड को डाल देना है ठीक है और इसे कब तक रखना है 15 मिनट तक इससे क्या होगा जो पैथोजन सीड्स में प्रेजेंट है वो मर जाएंगे सोलर हीट ट्रीटमेंट ये हमेशा मई और जून के महीने में करना होता है सीड को पहले नॉर्मल वाटर में सोक कर देना है और उसे तेज धूप में रखना है सवेरे आठ बजे से लेकर बारह बजे तक फिर इसे सन ड्राई करना है इससे क्या होता है जैसे ये सीड है इसके अंदर पैथोजन प्रेजेंट है अगर इसको हम वाटर में सोक करते हैं डुबाते हैं तो इसके जो पैथोजन हैं उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है पहले तो ये रेस्टिंग स्टेज में है उसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है पैथोजन को लगता है कि फेवरेबल कंडीशन आ गया है अब ग्रोथ करना चाहिए फिर ग्रोथ होगा तो ये ग्रोथ कब होता है आठ बजे से लेकर बारह बजे के बीच में मतलब ये जो चार घंटे का टाइम है उसमें ग्रोथ होता है फिर हम इसे पानी से निकाल के धूप में सुखा देते हैं उससे क्या होता है जो मॉइस्चर है वो तो खत्म हो जाता है जिससे कि ये जो पैथोजन है वो मर जाता है अवॉइड यूज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को हमें केवल रिकमेंडेड प्रोवाइड करना चाहिए और पूरी नाइट्रोजन को दो या दो से अधिक बार में खेत में डालना चाहिए अवॉइड स्प्रिंकलर इरिगेशन गेहूं के खेत में स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन नहीं करना चाहिए मोर यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद प्रयोग करना चाहिए क्रॉप रोटेशन विध नॉन होस्ट सोइल सोलराइजेशन अगर पॉसिबल है तो गर्मी के महीने में खेत को पॉलीथीन से ढक देना चाहिए जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ता है और पैथोजन मर जाता है समर डीप समर के महीने में हमें गहरी जुताई करनी चाहिए अवॉइड थ्रेसिंग ऑफ डिजीज क्रॉप विथ हेल्दी क्रॉप अगर हमें पता है कि किसी फील्ड में इन्फेक्शन ज्यादा आया है या एक खेत के किसी पार्ट में ज्यादा इन्फेक्शन है तो उसकी हार्वेस्टिंग हेल्दी प्लांट के हार्वेस्टिंग से अलग होना चाहिए अगर हम दोनों को एक साथ हार्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा जो तो डिजीज्ड प्लांट में स्पोर प्रेजेंट हैं टेलियोस्पोर वो हेल्दी सीड के साथ भी चिपक जाएंगे और अगली बार जब इस सीड को यूज किया जाएगा तो यह पैथोजन फिर से डिजीज करेंगे अर्ली सोइंग नवंबर के महीने में ही हमें सोइंग कंप्लीट कर देना चाहिए इंटरक्रॉपिंग विथ चिकपी गेहूं और चना का इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए इससे क्या होता है जैसे यहां पर गेहूं का फील्ड है यहां चिकपी का है तो पैथोजन के स्पोर का स्प्रेड कम मात्रा में होता है केमिकल अगर बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में आई है या गेहूं की फ्लावरिंग के टाइम फेवरेबल कंडीशन है तो हमें टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करना चाहिए इससे बीमारी थोड़ी कम मात्रा में आती है पाउड्री मिल्ड्यू ऑफ वीट पाउड्री मिल्ड्यू ऑफ वीट इज कॉज्ड बाई ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस। अर्लियर इट वॉज नोन एज इरेसिफी ग्रेमिनि बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लूमेरिया एंड इरीसिफी अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें अगर दोनों दिया हुआ है तो ये वाला आंसर ज्यादा राइट है और ये रॉन्ग होगा लेकिन अगर आप थ्योरी में लिख रहे हैं और ये नाम आपको याद नहीं है तो आप रिशिपी भी लिख सकते हैं लेकिन ब्लूमेर या ग्रेमेनिस ज्यादा सही होगा कमिंग टू द सिम्टम वाइट पाउडरी स्पेक्स अपीयर्स ऑन द लोअर लिप्स लेटर इट स्प्रेड ऑन द अपर लिप्स स्टेम्स एंड स्पाइकलेट्स And also in the awns, leaf area covered by white powder, which is aggregation of mycelium, conidiophore, and conidia of the pathogens. Later, pathogen cause necrosis in the leaves, which cause the early defoliation. In the infected plants, the size of the grains are reduced, and yield is also reduced. So. जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू का जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा इजी है याद करने के लिए इसमें पहले वाइट कलर के स्पेक्स बनते हैं या स्पॉट्स बनते हैं और ये अपर सरफेस में बनते हैं बाद में ये लोअर सरफेस में भी बनते हैं और ऐसे स्पॉट्स बहुत सारे आते हैं आपस में मिलने लगते हैं और ये पूरा लीफ का जो एरिया है उसे कवर कर लेते हैं बाद में ऐसे टिश्यूज में नेक्रोसिस होती है मतलब यहाँ के जो सेल हैं वो मरने लगते हैं और ये जो पत्तियां हैं वो समय से पहले गिर जाती हैं ऐसे ही टाइप के पाउडरी स्पेक्स ऑन्स में भी आते हैं स्पाइकलेट में भी आते हैं और स्टेम्स में भी आते हैं और जब डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में आती है तो ऐसे में जो ग्रेन है उनका साइज कम हो जाता है और इल्ड कम हो जाता है अब देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंगस इट बिलोंग टू सब डिविजन एस्कोमाइकोटीना and the mycelium of the fungus is septate branched and superficial growth on the host it took the nutrition from the host by hostoria. इसके जो mycelium होते हैं वो septate होते हैं branched होते हैं और ये होस्ट के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है ये फंगस होस्ट के सेल में एंटर नहीं करते हैं और ये न्यूट्रिशन लेने के लिए हॉस्टोरिया बनाते हैं और हॉस्टोरिया के द्वारा ये पौधे से न्यूट्रिशन गेन करते हैं ए सेक्सुअल इन द चेन ऑन कोनिडियोफोर। फोर आर बैरल इन सेप्ट हाईलाइन एंड सिंगल सेल्ड कोनिडियोफोर्स फोर्स आर सिंपल अनब्रांच एंड नॉन सेप्टेड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि यह प्लांट का सरफेस है तो इसके ऊपर में ये जो माइसीलियम है वो प्रेजेंट है ये माइसीलियम प्लांट के सेल के अंदर नहीं जाते हैं बल्कि ये हॉस्टोरिया बनाते हैं और इस हॉस्टोरिया के द्वारा प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं और ये हो गया इसका कोनीडियो फोर क्विडियो फोर में ये कॉनिडिया है और ये कॉनिडिया हमेशा चैन में बनते हैं ये है इसके कॉनिडिया जो पाउडरी के कॉनिडिया होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं क्यों क्योंकि इसमें सेवेंटी परसेंट वाटर प्रजेंट होता है यह है इसका क्लिस्टोसिया क्लिस्टोसिया के अंदर में एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं और इस क्लिस्टोसिया में एक अपेंडेजिस प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंपल है इसे माइसेलोइड अपेंडेजिस कहते हैं एक एस्कस के अंदर आठ एस्कोस्पोर बनते हैं अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में पैथोजन सर्वाइव इन द प्लांट प्लांटेबरिस इन द फॉर्म ऑफ क्लिस्टोथीसिया फिर क्लिस्टोथीसिया रप्चर होता है और एस्कोस्पोर बाहर आते हैं फिर ये एस्कोस्पोर लोअर लीफ में इन्फेक्शन करते हैं और सिम्टम हमें दिखाई देता है इसे डिजीज साइकिल के रूप में समझते हैं पैथोजन सर्वाइव इन द क्रॉप डेवरीज एज क्लिस्टोथीसिया क्लिस्टोथीसिया से एस्कोस्पोर बाहर आता है एस्कोस्पोर लिफ में इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन के बाद सिम्टम दिखाई देता है सिम्टम के बाद ये जो कोनेडिया बनाते हैं कोनीडिया हमेशा चैन में बनते हैं और ये यह विंड्स के द्वारा दूसरे प्लांट्स के लीफ में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं बाद में जब क्रॉप खत्म होता है उस समय ये जो पैथोजन है वो क्रिस्टोसिया बनाता है और क्रिस्टोथीसिया के अंदर में ये एस्कस और एस्कोस्पोर होते हैं और ये सर्वाइव करते रहता है फिर ये अगले सीजन में एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करेगा तो ये हो गया इसका डिजीज साइकिल अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में टेम्परेचर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई वेदर रेन डैमेज द कोनिडियोफोर फोर सो ये जो ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस है इसके लिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए और इसके लिए ड्राई वेदर चाहिए अगर ज्यादा मात्रा में वाटर होगा या फिर रेन आता है तो ये पैथोजन के लिए हानिकारक होता है आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज फॉर एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक क्रॉप प्रोडक्शन विथ नॉन होस्ट हमें एक ही खेत में एक ही क्रॉप बार बार नहीं लेना चाहिए समर डीप प्लोइंग समर के महीने में हमें डीप प्लोइंग करनी चाहिए इससे क्या होता है जो पैथोजन सॉइल में प्रजेंट है वो ऊपर आते हैं और सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं और सन की गर्मी से ये मर जाते हैं ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक एच डी टू जीरो सेवन फोर तो ये जो वेरायटी है वो पाउडी मिल्डू के लिए रेजिस्टेंट है हमें ऐसी वेरायटीज़ को ग्रो करना चाहिए स्प्रे सल्फेक्स आर बेवेस्टिन आर कैराथेन आर इथीरिमोल अगर डिजीज बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो हम इस केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं अर्ली वेरायटीज़ एंड अर्ली सोइंग रिड्यूस द डिजीज सीवियरिटी हमें ऐसे वेरायटी को चूज करना चाहिए जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो और हमें हमेशा जो सोइंग है वो अर्ली करना चाहिए अक्टूबर के महीने में हमें सोइंग कर ही देना चाहिए अगर हम लेट में सोइंग करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑलवेज ग्रो डिजीज फ्री एंड सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड क्रॉप डेबरीज टू रिड्यूस द प्राइमरी इनोकुलम हमें पिछले सीजन के जो क्रॉप बचे हुए हैं खेत में उसे जला देना चाहिए अब हम देखते हैं अल्टरनेरिया लाइट ऑफ वीट अल्टरनेरिया ब्लाइट एक फंगस से होता है जिसका नाम है अल्टरनेरिया ट्रिटिसना सिम्टम डिजीज अपियर्स वेन वीट प्लांट्स आर सेवन टू एट वीक ओल्ड एंड बिकम सीवियर वेन द क्रॉप इज मेच्योर सो ये जो अल्टरनेरिया है ये लो शुगर पैथोजन है इसीलिए जब क्रॉप मेच्योर हो जाता है उस समय ज्यादा आता है इन्फेक्शन इज फर्स्ट इविडेंट एज स्मॉल ओवल डिसकलर्ड लीजेंस इरेगुलरली स्केटर्ड ऑ ऑन द लिप्स सो जो पहले सिम्टम आते हैं वो लिप्स में आते हैं और छोटे और ओवल शेप के ग्रे या ब्राउन कलर के स्पॉट्स लिप्स में बनते हैं और ये लिप्स में फैले हुए रहते हैं एज द रीजन इन लार्ज दे बिकम डार्क ब्राउन टू ग्रे एंड इरेगुलर इन सेफ बाद में इनका साइज बढ़ता है और ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं लेकिन इनका जो सेफ है वो इरेगुलर रहता है सम आर सराउंडेड बाई अ ब्राइट येलो मार्जिन जैसे ये लीफ है यहां पर इन्फेक्शन हुआ है इन्फेक्शन के चारों तरफ का जो कोशिका है वो पीला पड़ जाता है और येलो हेलो बन जाता है द लीजें वेरी इन साइज रीचिंग द डायमीटर अप टू वन सेंटीमीटर एज द लीजन प्रोग्रेस सेवरल लीजेंस कॉलेज टू इच अदर एंड कवर द लार्जर एरिया रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द इंटायर लीफ बाद में इनका साइज और बढ़ेगा ऐसी स्पॉट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और जो पत्तियां हैं वो समय से पहले मर जाती है द लोअर मोस्ट लीव्स आर फर्स्ट टू शो द साइन ऑफ द इन्फेक्शन द फंगस ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अपर लीव्स सो जो पहला डिजीज है वो नीचे की पत्तियों में पहले आता है बाद में ये ऊपर की पत्तियों में ट्रांसफर होता है इन सीवियर केस सिमिलर सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लिप्सिथ एंड स्टेम्स एज वेल एज ऑन ऑन्स एंड ग्लोम्स सो ये सभी जो फोरियर पार्ट्स हैं उसमें आते हैं जैसे कि लीप सीट स्टेम ऑन्स एंड ग्लोम्स इफ द स्पाइक्स आर इन्फेक्टेड अर्ली देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द सीड अगर इन्फेक्शन जल्दी आता है तो पौधा मर जाता है जिसके कारण से इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है लेकिन अगर इन्फेक्शन लेट में आता है सीड बन चुका है उस केस में ग्लूम्स में इयर्स में और सीड्स में इंफेक्शन होता है यह है इसके सिम्टम्स ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स हैं सबका साइज अलग अलग है और यह सीड में भी इन्फेक्शन करते हैं यह जो सीड का कुछ पोर्शन है वो इन्फेक्टेड है बाद में ये ईयर्स में भी इन्फेक्शन करते हैं और ये ईयर्स के ऊपर में पूरा ये फंगस का ग्रोथ हो जाता है अब देखते हैं अल्टरनेरिया की इटियोलॉजी The fungus belong to subdivision Deuteromycotina. It has septate, branched, and dark mycelium. It produces asexual spores, conidia, which is muriform and dark in color, and these conidia are formed in chain. Conidiophores are short, dark colored, simple, and septate. So. इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं ब्रांच होते हैं और डार्क कलर के होते हैं क्यों क्योंकि इनके सेल वॉल में एक केमिकल का सिक्रीसन होता है जिसे मिलेनिन कहते हैं इसका जो कोनिडिया होता है वो म्यूरीफॉर्म सेप का होता है मतलब कि उसका जो बेस वाला पोर्शन है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है और टिप का जो थिकनेस है वो कम होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चैन में होता है इनकी जो कॉलोनी होती है वो ब्लैक कलर की होती है और इसमें भी ये कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते हैं तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं अगर ये सेंटर है और ये रिंग्स हैं तो अल्टरनेट ऐसे रिंग्स बनते हैं अब देखते हैं डिजीज साइकिल पैथोजन सर्वाइव इन द क्रॉप डेवरीज एंड ऑन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ कॉनिडिया सो ये कोनीडिया सर्वाइव करते रहते हैं फिर ये लीफ में ईयर्स में स्टेम्स में ग्लूम्स में सब में इन्फेक्शन करते हैं फिर ये पैथोजन प्लांट्स में ग्रो करते हैं हमें सिम्टम दिखाई देता है फिर से ये कोनीडिया बनाते हैं और ये कोनीडिया हवा के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल फिर जब यह क्रॉप खत्म हो जाएगा उस कंडीशन में यह कोनेडिया क्रॉप डेवरीस में सर्वाइव करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटरमीडियंट रेन अगर ईयर फॉर्मेशन के समय या ईयर के इमरजेंस के समय रेन होता है उस समय यह डिजीज बहुत ज्यादा आती है और एक है क्लाउडी वेदर्स क्लाउडी वेदर्स में भी ये डिजीज ज्यादा आती है मैनेजमेंट इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द फील्ड समर डिप्लोइंग क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मन्योर यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा यूज ऑफ क्लीन सीड्स वी शुड यूज ओनली सर्टिफाइड सीड्स ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स विथ केमिकल्स लाइक थायरम या कार्बेंडाजिम टू स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आर मैनकोजेब एट फिफ्टीन डेज इंटरवल अब देखते हैं ईयर कोकल अप व्हीट द डिजीज इज कॉज बाई अ निमेटोड एनग्विनाटिटीसी अब देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में द सिम्टम्स अपीयर्स ऑन लिप्स स्टेम फ्लोरल ऑर्गन्स एंड ग्रेन्स द निमेटोड कॉज ट्विस्टिंग एंड क्रिंकलिंग ऑफ द लिप्स The affected plant look dwarf. Infected heads are shorter, broader, and remain green for longer period of time. Formation of gall on the awns and glumes. Seeds are replaced with hard, dark brown or black cockles, also called galls. And these cockles remains filled with nematode larvae. सो so, ये जो डिजीज़ है वो निमेटोड के कारण होती है निमेटोड जब लीफ्स में इन्फेक्शन करता है तो इसके कारण से लीफ में ट्विस्टिंग और कर्लिंग हो जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लीफ है वो मुड़ी हुई है ठीक है उसके बाद जब इसका इन्फेक्शन ईयर्स में होता है उस समय भी ये जो ऑन्स होते हैं उसमें कर्लिंग होती है और यहाँ पर भी गाल बनते हैं यहाँ का जो सेल है वो फूल जाता है और जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उस समय ईयर्स में सीड नहीं बनता है और उसके बदले सीड गाल बनते हैं और इस सीड के अंदर में बहुत सारे निमेटोड के एक्स और लार्वी प्रेजेंट होते हैं इसी को सीड गाल या सीड कोकल कहते हैं आगे बढ़ते हैं इटियोलॉजी एनग्युटिटीसी एक निमेटोड है जो कि किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं जो मेल होता है वो थ्री टू फाइव एम एम लेंथ का होता है और जो फीमेल होता है वो दो से ढाई एम एम लॉन्ग होता है बट ये जो फीमेल है उसका थिकनेस मेल से ज्यादा होता है द निमेटो डेवलप लारवीज सोज फोर डिस्टिंक्ट स्टेज जो इसका लार्वल स्टेज होता है उसे जुएन स्टेज कहते हैं और ये चार स्टेज में कंप्लीट होता है जे वन फिर जे टू जे थ्री और जे फोर जुएन आइल वन टू थ्री एंड फोर उसके बाद यहां से फिर मेल और फीमेल बनते हैं और फिर से ये एक बनाते हैं और एक से ये जुएनाइल डेवलप होते हैं सो फर्स्ट स्टेज लार्वी डेवलप्स इनसाइड द एग यह जो जूएन एल वन होता है ये एक के अंदर ही डेवलप होता है निमेटोट कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं यह है इसका एक, एक के अंदर में ही जेवन डेवलप होता है फिर जेवन डेवलप होके जेटू बनाता है और यह जो जेटू है मतलब जूएन एल टू ये बाहर निकलता है और यह प्लांट्स में ऊपर क्लाइम करता है ये रेंगते रेंगते ऊपर पहुंचता है और फिर वहां पर लीफ में इन्फेक्शन करता है वहां पर ये J3 और J4 बनाता है और J4 फोर डेवलप होके फिर मेल और फीमेल बनाते हैं कुछ जो J4 होते हैं वो मेल बनाते हैं और कुछ फीमेल बनाते हैं इन दोनों के बीच में मेटिंग होता है और एक डेवलप होता है फिर से ये साइकिल चलते रहता है तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ निमेटोड अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में पैथोजन क्रॉप डेवरी में और सीड्स में सर्वाइव करते रहता है फिर सीड्स के अंदर में जेवन डेवलप होता है जे2 बाहर आता है पौधे के ऊपर चढ़ता है और फिर यह जे2 इन्फेक्शन करता है सो so अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्शन कौन करता है तो उसका आंसर है जे2। फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है अब यह जे2 प्लांट के अंदर चला जाता है वहां पर जे थ्री और जे फोर बनाता है जे फोर के बाद एडल्ट बनते हैं मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उनके बीच में मैटिंग होता है और फिर ये एक बनाते हैं ये एक सर्वाइव करते रहता है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है सो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन द लीफ इन सब कंडीशन में डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में नेमेटोड के मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट फॉर वन टू टू ईयर वी शुड सेलेक्ट ओनली सर्टिफाइड डिजीज फ्री सीड्स और सीड का पहले ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए उसके बाद ही इसे यूज करना चाहिए तो इसके लिए दो मेथड हैं पहला है मैकेनिकल मेथड इसमें सीविंग करते हैं मतलब कि सीड्स को पहले सीव करना है जिससे क्या होगा जो भी छोटे ग्रेन्स होंगे या फिर एक होंगे वो हमारे सीड से अलग हो जाएंगे उसके बाद ही हमें सोइंग करना चाहिए दूसरा मेथड है फ्लोटिंग ऑफ सीड्स इन सॉल्ट सोल्यूशन तो पहले ट्वेंटी परसेंट सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना चाहिए इसके लिए क्या करना है एक बीकर लेना है उसके बाद बीकर में ट्वेंटी परसेंट सॉल्ट सोल्यूशन करना चाहिए फिर इस सोल्यूशन में सीड्स को डालना चाहिए जब हम ट्वेंटी परसेंट सोल्यूशन में सीड्स को डालेंगे तो जो भी इन्फेक्टेड सीड होंगे जिनका वेट कम है जिनका डेंसिटी कम है वो ऊपर में फ्लोट करते रहेंगे और जो हेल्दी सीड्स रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे तो हमें ऊपर के जो अनहेल्दी सीड्स हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए उसके बाद इस हेल्दी सीड्स को लेना है और फिर धूप में सुखा देना है धूप में सुखाने के बाद हम इसे सोइंग के लिए यूज कर सकते हैं तीसरा मेथड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो सोइंग के लिए सीड्स हम लाएंगे उसे पहले दो घंटे के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में डुबा कर रखना है ऐसा करने से जो भी उसमें निमेट वॉट प्रेजेंट है वो मर जाएंगे वी शुड यूज रजिस्टेंट वेराइटी लाइक एनपी नाइन जीरो एट एस डबल टू सेवन वी कैन ऑल्सो स्प्रे निमेटिसाइड्स लाइक निमेफॉस एल डी कार आर वेलम प्राइम मिकल्स so, होते हैं वो निवलपमेंट को रोकते हैं और इस प्रकार से हम निटो का मैनेजमेंट कर सकते हैं प्लीज वॉच मोर वीडियो फ्रम आयर चैनल यून टैन लॉड लेफर टेलीग्राम चैनल टर्न टू गेट सब्सक्राइब डॉक्टर बेल फॉलो अवर फेसबुक जानकारी Thanks for watching the video till end, we will meet again in next video.